गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और ये है मुकेरिया में मेरी बुआ जी का घर, पंगवाड़ा की कुछ नाम है ऐसा जगह का। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं और पिछला व्लॉग तो मैंने एडिट करके डाल दिया था। सो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग जो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और दूसरे व्लॉग में होगी रस्में आगे जो हम आपको दिखाएंगे कि शादी में क्या क्या होता है, पंजाबियों की शादी कैसे होती है। सो गाइस, यहाँ पे डाला जा रहा है दीदी को चूड़ा, जिसका सभी लड़कियों को चाह होता है मतलब एक्साइटमेंट होती है, कईयों को होती है। और यहाँ पे दीवा जलाया होता है। पंजाबियों में भी ये रिवाज है, पहाड़ियों में भी ये रिवाज है, हिमाचल में भी जलाते हैं। और यहाँ पे मामा और मामी डालते हैं चूड़ा। तो भाई जी ने इनको डाल दिया था, एक कड़ा डाला इन्होंने, फिर ये उठ के फिर बाकी लेडीज लगी डालने। सो अब इनको देखो दीदी खुश एक्साइटेड कितनी खुश हो रही दीदी। और इस साइड पहनाई जा रही थी बेसर, मतलब नथ, जो कि पंजाब में पता नहीं क्या बोलते हैं, और यहाँ पे तो नथ ही बोलते हैं। और पायल भी पहना दी। अभी इनको रेडी कर देना था पूरा ही। और इस साइड दीदी का चादर गया था अग्नि में, बच गया बाल बाल। सो ये देखिए, ये बैठे हुए थे और दीदी को तैयार कर रहे थे। अभी इनकी रस्में हो जाएंगी इस टाइम, फिर कल सुबह इनकी बारात आएगी तो हम जाएंगे सैलून तैयार होने। और यहाँ पे लगने लग गया बूटना, जो कि इसके बाद ये नहाएंगे, मतलब स्मूथ होते हैं उसको स्मूथ बोलते हैं, सांदी स्मूथ। और ये बूटना भी लग गया था, छोटे छोटे रिवाज होते हैं। और यहाँ पे लग गए थे डीजे, और इसको एक को वीडियो बनाने के लिए बोला, तो वो हमारे अम्मी डाल के वीडियो बना रहा था। ये दीदी भी डांस कर रही थी साथ में, और इस साइड भी डांस रहे थे। लड़कियों का पहाड़ी सॉन्ग पे डांस और लड़कों का नागिन डांस, देखो फुल मज़े लिए जा रहे थे नागिन डांस पे भी। सो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप डाल दी। और अभी हम जा रहे थे मॉर्निंग, सो हम जा रहे हैं पार्लर रेडी होने। हम बनाएंगे व्लॉग यहाँ पे। अभी अभी इनकी ये लुक है ना, बाद में देखना इनकी लुक। अभी रियल शक्ल है, बाद में देखना। मेकअप थुप जाएगा फिर मेरी हीरोइन वाली शक्ल होगी। मैं आपको पूरा मेकअप दिखाऊंगी करते करते भी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे हो रहा था दीदी का मेकअप, और मैं पीछे बैठ के बना रही थी इनकी वीडियो। और यहाँ पे ये भैया हंस रहे थे क्योंकि इनको पता लग गया था मैं वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने इनकी आईडी इंस्टाग्राम पे आपको डाल दी है। और यहाँ पे बड़ी सुंदर इन्होंने माता की मूर्ति रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनके साथ भी वीडियो बना ली जाए थोड़ी सी थी। ये है भैया का सैलून, तो इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत अच्छा ही इनका मतलब सैलून भी है। फोटोग्राफी के लिए अलग है, मेकअप के लिए अलग है, हेयर स्मूथनिंग के लिए अलग है। तो आप भी जल्दी से जाएं इनके शॉप पे विजिट करें जाके। ये देखिए, अब दीदी को डाल दी गई थी ज्वेलरी, वो भी बड़ी सुंदर लग रही थी। और ये पीछे लड़का है, ये हमारे इधर से ही था, पहाड़ से ही, मतलब ये भी काम सीखने आए थे शायद उधर। और ये देखिए, इनके इयररिंग्स भी डाल दिए, बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ था इन्होंने, ओवर ओवर नहीं लग रहा था। और अब थी स्टार्ट फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी के लिए भी पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हो आप, कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। सो आप लोग भी विजिट करें। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हो। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा लगा। हाँ सच्ची, मैंने भी ऐसा मेकअप देखा नहीं, बड़े सुंदर लग रहे हो आप तो। थैंक यू। और भी बहुत सब गजब सर। ओके, हाँ जी, बड़ा सुंदर मेकअप किया है इन्होंने। और इनके रिव्यू दे दो आप कुछ, आपको कैसा लगा मेकअप? बहुत अच्छा लगा। किसी को भी करवाना हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट रजत मेकओवर लुक्स मेकओवर स्टूडियो। यस प्लीज़ आ सकते हो आप, मुकेरिया में इनका सैलून है।
सो आप आ सकते हो। सो गाइज हम पैलेस में पहुंच चुके हैं और यहाँ ब्राइडल का फोटो शूट हो रहा है। ये देखिए बड़े सुंदर तैयार किए हैं भैया ने, कसम से। अब अगला व्लॉग मैं इसी पे डालूंगी, बरात का स्वागत एंड स्टेज वगैरह और विदाई का, वो अलग व्लॉग आएगा। और जहाँ पे हम सैलून में तैयार होने गए थे रेडी होने, वो व्लॉग आज हम डाल देंगे। सो ये वाला व्लॉग मैं कल डालूंगी। तो ये देखिए ब्राइडल रेडी हो चुकी है और यहाँ पे चला है फोटोशूट। ये है पैलेस। सो गाइज इस वाले व्लॉग करते हैं यहीं पे एंडिंग और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगला व्लॉग आएगा दूल्हे का स्वागत एंड विदाई तक। तो इस वाले व्लॉग को करते हैं एडिट और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक